9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आदिवासी समाज के जिला मुख्यालय पर जहां पर बड़ी संख्या में हर्षोल्लास के साथ समाजजनों का हुजूम डीजे की धुन पर थिरकता नजर आया, वहीं सांसद गजेंद्र सिंह पटेल द्वारा जारी प्रेस नोट ने विश्व आदिवासी दिवस को मूल निवासी दिवस बताया, जहां पर सांसद के प्रेस नोट के बाद आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है। दरअसल 9 अगस्त को आदिवासी समाज द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के रूप में आदिवासी समाजजनों ने जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचकर स्थानीय इंद्रजीत हॉस्टल से विशाल जन समूह के साथ डीजे की धुन पर रैली निकाली। कोरोना काल के लॉकडाउन के बाद हुए अनलॉक के बाद पहली बार इस प्रकार का भव्य आयोजन दिखाई दिया। वहीं इस रैली को देखकर नगरवासियों को लगा मानो आज कोरोना शहर से गायब हो गया। वहीं 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के मायने तब असमंजस में आ गए जब क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसके अनुसार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाना विश्व के षड्यंत्रकारी संगठनों का षड्यंत्र बताकर 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही। वहीं इस प्रेस नोट को लेकर आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने सांसद के प्रति नाराजगी जताई है। आज आदिवासी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, पूरे देश में भर में एक खुशी का माहौल है। यूएनओ द्वारा 194 देशों द्वारा एक यूएनओ में घोषित है, इसी को लेकर पूरे समाज आदिवासी समाज पूरे देश भर में खुशियों का माहौल है और आयोजन हर ग्राम क्षेत्र ग्राम तहसील ब्लॉक से लेकर जिले शहर तक किया जा रहा है। इसी प्रकार हम लोगों ने भी बड़वानी जिले में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस सफल आयोजन बनाया है। क्या चर्चा हुई इस सामाजिक विचारक है, जैसे मंच से हमारे अच्छे अच्छे वक्ता बुद्धिजीव लोगों द्वारा हमारे समाज के प्रति जो अच्छे एक शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो संवैधानिक अधिकार को क्षेत्र में उसको लेकर अच्छे अच्छे बुद्धिजीव द्वारा विचार विमर्श किया गया। क्षेत्रीय सांसद ने विरोध किया इस दिवस का? जी वो सांसद महोदय जी को मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी होने के बावजूद भी इस प्रकार से स्टेटमेंट अगर देते हैं मीडिया में, उन्हें भी पता होना चाहिए कि विश्व आदिवासी दिवस जब देश भर में मनाया जाता है तो इन लोगों को सोच समझ होना चाहिए कि समाज के द्वारा ही आपको एक सांसद बनाया गया है, जनप्रतिनिधि बनाया गया है, तो इस प्रकार से ऐसे उटपटांग बयान नहीं देना चाहिए, स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक गौरवशील है। कहीं हमारे महापुरुष तो शहीद हुए तब जाके ये 194 देशों ने घोषित किया है कि इस देश में आदिवासी है, आदिवासी रहते हैं और ये मूल मालिक है, इस देश के मालिक है। तो इस प्रकार से गजेंद्र पटेल द्वारा जो महोदय द्वारा जो बयान दी है वो निंदा लायक है और समाज को आक्रोश है। कहीं ना कहीं युवाओं के प्रति इस तरह का भेद भावना रखने वाले सांसद महोदय से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि समाज से आप बने हो सांसद, न कि किसी और से, तो कम से कम समाज के आप भला नहीं कर सकते हो तो बुरे विचार भी न रखें। क्या किस तरीके का आयोजन हुआ? विश्व आदिवासी दिवस पर हम लोग काफी वर्षों से रैली का आयोजन करते हैं और बाद में सभा के रूप में बौद्धिक चर्चा भी करते हैं। पिछले साल कोरोना गाइडलाइन के चलते हमने प्रोग्राम आयोजित नहीं किया था। इस साल चूंकि बड़वानी जिले में कोरोना का कोई पेशेंट नहीं है और लगभग सभी चीज़ें खुल चुकी है, आप भी देख रहे हो कि होटलें खुल चुकी है और सभी सार्वजनिक स्थान खुल चुके हैं और कोरोना का यहाँ इस बार खतरा भी कम हो चुका है, इसलिए हमने कार्यक्रम आयोजित करा और कार्यक्रम में हमने मतलब इस बात पे ध्यान दिया कि सोशल डिस्टेंस रहे और मास्क लगभग सब मास्क लगा के आए थे, कार्यक्रम अच्छा हुआ। और क्षेत्रीय सांसद ने बताया कि विदेशियों का प्रोपोगेंडा है, ये बड़ी विडम्बना की बात है कि हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे आदिवासी सीटों से जीत के जाते हैं और हमारे समाज के साथ नहीं रह के जो गैर आदिवासी समाज है उनकी बात जरूर रखते हैं, जबकि गैर आदिवासी समाज की बात रखने के लिए काफ़ी प्रतिनिधि है और ये आदिवासी प्रतिनिधि हमारे चुने हैं तो इन्होंने हमारी बात रखना चाहिए। हमारे जहाँ तक हमारे क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह जी ने जो आज प्रेस नोट जारी करा और जो प्रेस में खबरें देखी हमने, ऐसा प्रतीत होता है कि गजेंद्र भाई भ्रमित है, उनको खुद को इस बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। वे पढ़े
और ये 9 अगस्त के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ यूरो जाने, लेकिन 9 अगस्त को इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें पिछली बार शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय इन्होंने छुट्टी छुट्टी घोषित करी थी, बड़वानी सहित करीबन 10 जिलों में छुट्टी घोषित करी थी। कमलनाथ जी आ गए तो उन्होंने तो कमलनाथ जी ने तो पूरे प्रदेश में शासकीय अवकाश घोषित कर दिया और साथ में प्रत्येक कलेक्टर को 1-1 लाख रुपये हर जिला मुख्यालय पर सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पैसे दिए। तो यदि गजेंद्र सिंह जी कहते कि 9 अगस्त गलत है तो फिर आपने उस समय शिवराज सिंह को क्यों घोषणा करवाई? ये तो इनकी बुद्धि पे तरस आता है, ऐसा है लगता है इनको कि आदिवासी अपने हक अधिकार की चर्चा नहीं करे, अपने हक अधिकार इनसे मांगे नहीं, क्योंकि इनको कुचलना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।